यह गया धरती की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार। अंतरिक्ष के खतरों से करता था आगाह टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दहने से सदमे में दुनिया के वैज्ञानिक। दोस्तों, इस वक्त विज्ञान जगत के लोग सदमे में हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज को खो दिया है जिससे वे एक जगह बैठकर ही खगोलीय रहस्यों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते थे। दरअसल यहाँ बात हो रही है विशालकाय टेलीस्कोप एरेसीबो की, जो 1 दिसंबर को पूरी तरह से ढह गया है। ये टेलीस्कोप प्यूटो रिका में स्थापित था, जिसने वैज्ञानिकों की लंबे समय तक काफी मदद की थी। लिहाजा विज्ञान जगत से ताल्लुक रखने वाले लोग इसके ढह जाने से बेहद परेशान हैं। ये नुकसान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की मीटियोरोलॉजिस्ट अदा मोन्जन इसके बारे में बात करते हुए रो पड़ी। अमेरिका के कैरेबियन आइलैंड प्योर्टो रिको में लगा ये विशाल रेडियो टेलीस्कोप लंबे समय से जर्जर हालत में था। ऐसा नहीं है कि इसे बचाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन समय के साथ इसकी हालत जर्जर होती चली गई और 1 दिसंबर को इसका 900 टन का प्लेटफॉर्म 400 फीट नीचे रिफ्लेक्टर डिश पर जा गिरा। इसकी वजह से ऊपर लटक रहा प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त हो गया था। वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप मानते थे और इस घटना से विज्ञान जगत सदमे में है। यूनिवर्सिटी ऑफ प्योर्टो रिको में एस्ट्रोनॉमर और प्रोफेसर कार्मेन पंटोजा ने विज्ञान के लिए सबसे बड़ा नुकसान बताया है। इससे पहले अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ऐलान किया था कि एरेसीबो को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल साइंटिफिक कम्युनिटी की मदद के लिए और प्योर्टो रिको के लोगों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए और तरीकों पर काम किया जाएगा। मीटियोरोलॉजिस्ट अदा मोन्जन ने आधी शताब्दी से भी ज्यादा वक्त धरती पर बैठकर अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने और जानकारी देने वाले इस एरेसीबो के ढहने को वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए वे काफी भावुक नजर आए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अदा ने बताया कि एरेसीबो को बचाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन अफसोस अब ये पूरी तरह से ढह चुका है। वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप मानते थे। दरअसल इस टेलीस्कोप के ढहने से धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से आगाह करने वाला एक हथियार कम हो गया है। एरेसीबो को धरती की आंख भी कहा जाता था। ये एक ऐसा विशाल और ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप था जिससे वैज्ञानिक विशाल स्पेस रॉक्स को देखते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इतनी आसानी से एरेसीबो की जगह कोई नहीं ले पाएगा। इसका रेडार ट्रांसमीटर किसी ऑब्जेक्ट की ओर लाइट भेजता था जो टकराकर वापस लौटती थी, तो इसकी रेडियो डिश इस सिग्नल को पकड़ती थी। इससे वैज्ञानिकों को उल्का पिंडों की स्थिति, आकार और सतह के बारे में जानकारियां मिलती थी। क्या थी इस विशाल टेलीस्कोप की खासियत? वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता सताई जा रही है कि अब धरती पर बैठकर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के बारे में जानकारी देने वाला एक यंत्र खत्म हो गया है। प्लेनेटरी रडार टीम को लीड करने वाली एनी विर्की का कहना है कि एरेसीबो की जगह कोई दूसरा टेलीस्कोप नहीं ले सकता। एरेसीबो का ऑक्सिलरी केबल अगस्त में कट गया था, जिससे 1000 फुट चौड़ी रिफ्लेक्टर डिश पर 100 फुट का कट लग गया था। इसकी वजह से ऊपर लटक रहा प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त हो गया था। मेन केबल नवंबर की शुरुआत में टूट गया। एरेसीबो में दशकों तक काम करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर जोनाथन फ्रिडमैन ने घटना को तूफान जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि पहले तो ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो, बारिश या बर्फ के तूफान जैसा लगा, गड़गड़ाहट कुछ पल रही। मीटियोरोलॉजिस्ट डेबोरा मार्टोरेल ने घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इसे टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि नौकरशाही ने बैठकर इंतजार किया कि एनएसएफ प्लेटफॉर्म को ढहाए। उन्होंने कहा कि एरेसीबो विज्ञान जगत का रत्न था और ये विश्वास करना मुश्किल है कि अब वो नहीं है। क्या अब चीन के टेलीस्कोप के भरोसे रहेंगे वैज्ञानिक? एरेसीबो के ढहने के बाद अब वैज्ञानिक चीन के सबसे बड़े टेलीस्कोप के भरोसे रह सकते हैं। चीन ने 2016 में अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप चालू किया था। ये विश्व का विशालतम टेलीस्कोप माना जा रहा है और इसे बनाने में 17 साल लगे थे। ये टेलीस्कोप विभिन्न आकाशगंगाओं और ग्रहों में जीवन खोजने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे एलियन खोजने वाला टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इस टेलीस्कोप में 4450 त्रिकोण आकार के पैनल लगे हैं। एक पैनल की लंबाई करीब 36 फीट है।
इसे बनाने का खर्च करीब 12 अरब रुपए यानी 124 मिलियन पौंड आंकी गई है। वहीं इसका आकार फुटबॉल के 30 मैदानों के बराबर है। इसे बनाने का काम मार्च 2011 में शुरू हुआ था और सितंबर 2016 में पूरा हुआ था। ये टेलीस्कोप इतना शक्तिशाली है कि तूफान और बादलों की गड़गड़ाहट के शोर के बीच भी झिंगूर की धीमी आवाज को पकड़ सकता है। चीन में गुंजाओ प्रांत के दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियों में जिस स्थान पर ये प्रोजेक्ट लगा है उसे ढूंढने में चीनी वैज्ञानिकों को 17 साल लग गए थे। इस स्थान को टेलीस्कोप की डिश के लिए आदर्श माना गया है।